नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप देख रहे हैं कंपोस्ट, ये कंपोस्ट है कि वर्मी कंपोस्ट है? कंपोस्ट, ये कंपोस्ट है जो बाहर से लाके छानते नहीं, इसको सीधा सीधा भर देते हैं अंदर। नहीं नहीं, छानते हैं इसको, छान के फिर। अच्छा कौन सा होता है, कंपोस्ट होता है कि वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और कंपोस्ट थोड़ा उससे कम। तो ये कंपोस्ट खाओ, कन्या गौशाला में क्या रेट है? 5 रुपया, 5 रुपये किलो। और वर्मी कंपोस्ट? 10 रुपये किलो। कन्या गौशाला पाल रोड पे है और यहाँ पे कोई भी भाई आके ये खाद ले सकता है। और आपका नाम है? व्यास चौहान जी। व्यास चौहान जी 25 सालों से लगातार यहाँ खाद बना रहे। कोई किसान ऐसा हो जो अपने घर पे बनाना चाहता है तो यहाँ आके इनसे पूछ भी सकता है कैसे बनाना या क्या करना। ये आप देख रहे हैं जो कंपोस्ट खाद, तो ये गोबर के खाद की फैक्ट्री है ये दोस्तों, तो गोबर की फैक्ट्री कहता हूँ मैं तो। एक गोबर और गोमूत्र जब तक इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल नहीं बनेगा तब तक गाय को बचाना संभव नहीं है। ये सारे बैग भर के रख देते हैं और पैक हो जाते हैं और फिर जिसको लेना होता है वो सीधा यहीं गाड़ी लेके आता है और अपना खाद भर के निकल जाता है। और उधर भी आप देख सकते हैं पैकिंग हो रही है। ये गौशाला साल के 70 लाख रुपये का खाद सेल करती है। और ये आप देख रहे हैं जो सारे वर्मी कंपोस्ट के सारे इनके जगह है, ये सारा वर्मी कंपोस्ट पूरा शेड में छाया दुनी बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। ये सारे वर्मी कंपोस्ट के हैं, तो वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद में गौशाला से 70 लाख की खाद सेल होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इससे एक गौशाला को स्वावलंबी बनाने में बहुत बड़ा योगदान गोबर और गोमूत्र का हो सकता है। तो गोबर और गोमूत्र इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बन सकते हैं, ये वास्तव में एक सच्चाई है। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे ये प्रोडक्शन यूनिट है दोस्तों गोबर और गोमूत्र की। गोबर और गोमूत्र इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बनेगा तभी गाय को बचाना संभव होगा, क्योंकि आज के समय में नंदी सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रहे हैं, क्योंकि उनको रखना उनसे कोई लाभ नहीं है। तो लाभ के बिना तो इंसान कोई चीज़ रखता नहीं है। फिर भी इन गौशालाओं में बैलगाड़ी के माध्यम से, अब जो बात आती है कि डीजल की रेट कहाँ जा के रुकेगी, जब डीजल बड़ा महंगा हो जाएगा तब क्या करेगा किसान या इंसान? तो आज 150-200 रुपये लीटर का डीजल हो गया तब तो आप सोचेंगे ना। तो ये आप देख सकते हैं बैलगाड़ी के माध्यम से इन गौशालाओं में डीजल की बचत हो रही है और नंदी का भी पालन हो सकता है। ये बैलगाड़ी का आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये सारा कंपोस्ट खाद की यूनिट है, सारा कंपोस्ट है, बायोगैस प्लांट है। ये पूरी गौशाला है जो तो शहर के बीचों बीच में कन्या गौशाला, और ये कंपोस्ट और बैलगाड़ी से गोबर को एक जगह इकट्ठा करके, और ये है बायोगैस संयंत्र, गोबर के खाद की फैक्ट्री दोस्तों आज आपके सामने। जय गो माता, जय गोपाल।